नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है शरद शर्मा। सारेगामा पा में इनके क्यूट से नेचर को खूब खाते पीते मस्त रहने वाले और बहुत मेहनती सिंगर के तौर पर आप इनको देख चुके हैं, लेकिन अब एक नया परिचय भी करवाती हूँ। ये इज़राइल में थे और वहां से बचकर भारत लौट चुके हैं। एक तो शरद, बहुत सारा आपका स्वागत है और मैं इतनी खुश हूं और इतनी शांति हो रही है मुझे आपको ऐसे खिलखिलाते हुए देखने में ना, कि मन प्रसन्न हो जाता है। जय श्री राम। सुना जी, आपको मेरा सादर जय श्री राम है, प्रणाम है। आपका बहुत सपोर्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आपके जो सब यूट्यूबर्स हैं जो आपके चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ और उनको सादर मेरा प्रणाम कि आप सबकी ब्लेसिंग और आप सबकी दुआएं, आप लोगों ने जो चिंताएं की हैं, जो चाहत हमारे लिए, आप म्यूजिक के प्रति इतना प्रेम रखते हैं तो शायद वो भगवान उन सबको सुनकर हमको एकदम अच्छे से सुरक्षित इंडिया लेकर आए। बहुत बुरी स्थिति में हम लोग फंस गए थे और बहुत ही गंभीर हालत थी। मतलब ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वहां पे ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार कुछ और ज्यादा गंभीर हुआ है। तो ये शायद लोगों की एकदम दुआएं बिल्कुल। लगे को यहाँ पे जी। आप वहां क्यों गए थे, मतलब कहां पर आपका शो था, कौन कौन लोग थे आपके साथ? एक्चुअली हमारा इवेंट्स वहां पे फिक्स था लगभग 2 महीने पहले। हमारा सब वीजा वीजा ये सब हमने सब लोग तैयारी की थी। आदरणीय गिरीश विश्वा सर, आप सब जानते हैं, मोस्ट मतलब लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनका बहुत आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हम बच्चों के साथ। तो उनका एक इवेंट था, हम लोग पूरा इंडियन आइडल ग्रुप और विश्वा रॉकर्स पूरी टीम के साथ वहां परफॉर्म करने गए थे। हमारा 4 और 5 का वहाँ इवेंट था, एश्केलॉन और रामलला करके एक जगह है वहां पे, रामला रामला इसराइल में। तो वहां पे हमारा शो था। तो हम लोगों को जो रिसोर्ट दिया गया था वो एश्केलॉन में था, रैगिना होटल था वहां पे। तो वहां पे हम लोग रुके हुए थे और हमारा कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ। हमें वहां के सबसे मेन चीज तो ये है कि वहां पे हमारे मुंबई के रेमंड सिगाल सर हैं, वो हमारे महाराष्ट्रियन हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, इसराइल सर वगैरह ये सब। तो इन्होंने हमको बिल्कुल फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दी, इतने अच्छे से रखा हम लोगों को, इतना खिलाया पिलाया, इतना एंजॉय कराया, शॉपिंग भी कराया, और बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कहीं अलग जगह हैं, बिल्कुल अपने अपने लोगों में आए हैं। और सबसे विशेष बात तो ये है कि हमारा शो तो नो डाउट कोई सवाल ही नहीं उठता था, शो तो हिट जाना ही है। सुनीशा जी सिंगर थे, चेतन राणा किशोर कुमार फैम थे और मैं गाने के लिए भी गया था, और दादा का पूरा ग्रुप था जो इंडियन आइडल सारेगामापा में परफॉर्म करता है। तो हम लोगों ने शो तो बहुत हिट किया और खूब सारा हम लोगों ने एंजॉय किया, घूमा। एक्चुअली बस 7 तारीख को, मतलब 7 अक्टूबर को हम जब मॉर्निंग में सोकर उठे तो हम लोग बॉम्ब के साउंड से हमारी नींद खुली, इतना इतना तेज बॉम्ब गिरा था कि हम लोग का पूरा होटल हिल गया था। बाप रे। तो वो बड़ा गंभीर विषय हुआ। तो हम लोगों ने जैसे ही मॉर्निंग में उठ के देखा तो वहाँ जो होटल में रुके हुए थे वो सब लोग रो रहे थे, सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे क्यूट, तो वो सब रो रहे थे। तो बहुत हमको घबराहट सी हुई, मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक से, सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में। तो राम जी की इतनी कृपा हुई कि हम लोगों को होटल वालों ने हम लोगों को सेफ जोन में, मतलब वहां पे हमको सेफ जोन में रखा, यहाँ पे बॉम्ब प्रूफ एरिया बना रखा है उन्होंने, क्योंकि वह इसराइल वगैरह में ये हमले वगैरह होते रहते हैं। और वहां की एक विशेष बात यह है कि वहां पे हर घर में मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, वहां पे मिलिट्री करना ही पड़ती है, जी वहां की 18 साल के बाद लड़की को भी करना पड़ती है और लड़के को भी करना पड़ती है 5 साल। तो वहां के लोग सब हिम्मत वाले हैं, थोड़े से कठोर हृदय के हैं। तो होटल में भी अब ये सब हम लोगों को सुरक्षा की कि सेफ जोन में हमको नाश्ता वास्ता कराया उन्होंने, और सारे लोगों ने ब्लेसिंग की वहां पे, जो जेरूसलेम जो एक दरबार है वहां पे सब लोग नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज वगैरह पढ़ी सबकी सुरक्षित करने के लिए, भगवान से प्रे किया, तो सब कुछ अच्छा हुआ। धीरे धीरे थोड़ा माहौल कम हुआ, लेकिन फिर वहां के और आसपास जगहों में ऐसा हमला हो गया कि होटल ही जला दिया पूरा, गाड़ियां जला दी। और एक्चुअली ऐसा वीडियो आया कि वो लोग गाड़ी में से उतार उतार के सबको गोलियां मार रहे थे, कार रोक रोक के, और वीडियो बना रहे थे उनका गोली मारते हुए। तो हम लोग डर गए काफी ज्यादा, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब पूरे होश ही उड़ गए थे कि अब जो होगा तो देखा जाएगा, बस यही है, बस तो भगवान से वहां से प्रे कर आप, रहे थे हृदय से। बिल्कुल, वहां से आप कब निकले और कैसे फिर एयरपोर्ट तक पहुंचे हम लोगों को साथ? जिस तारीख में आना था उसी दिन ये सब नाटक हुआ, और 7 तारीख को हम लोग ये सोच चुके थे कि जब इतना सब कुछ हो गया तो 100% एयरपोर्ट तो बंद कर ही दिया होगा, फ्लाइट नाइट अब सब कैंसिल हो गई होंगी डेफिनेटली। तो भगवान की इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर ने फोन किया कि आप लोग रेडी रहिए, 1 घंटे बाद आपकी गाड़ी लेने आ रही है होटल। तो
भगवान की इतनी कृपा कि हम लोग एयरपोर्ट तक सही सलामत आए, बिल्कुल रास्ते में कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आई। ये इतनी बड़ी कृपा थी भगवान की। और रास्ते में ऐसे ऐसे सीन हमको देखने मिले कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई की बिल्डिंग जल रही है, कोई की कार भस्म हो गई है पूरी, कोई की रोड में गड्ढे हो गए हैं, बम फट फट के मतलब पूरा एरिया खराब कर दिए थे वो लोग। और इतनी बड़ी मतलब भगवान की कृपा, इतनी मतलब रक्षा की हनुमान जी महाराज ने कि हमारे होटल से ही जरा सी दूरी पे बम फूटा था। और जब तक हम होटल में थे, जब तक हमारे होटल वाले एरिया के आसपास भी बम नहीं फूटा था, कुछ भी नहीं था, अगल बगल ही फूटा था। तो कितनी भगवान की कृपा होगी आप ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एयरपोर्ट तक हम लोग बहुत सुकून से आ गए थे। लगभग 1.5 घंटा दूरी पे हमारा एयरपोर्ट था, वहां से हम जहाँ रुके थे एस्केलोन में, तो हम लोग बहुत सुकून से पहुंच गए थे। और एयरपोर्ट पे पहुंच के हम लोग एकदम थोड़े से बिंदास हुए। फिर हमने बोर्डिंग वोर्डिंग कराया, तो हमारा फ्लाइट फ्लाइट हमारे इस्तानबुल तक था। तो इस्तानबुल तक का फ्लाइट जो था वो सिर्फ हमारा ही था, बाकी और इस्तानबुल के फ्लाइट थे वो कैंसिल हो चुके थे। और सिंगापुर जो एयरलाइन कनेक्टिंग था वो भी कैंसिल हो चुका था। भगवान की ये चमत्कार हुआ है कि मैं तो ये कहूंगा ये चमत्कार ही है। ये शायद ये कुछ हो रहा था, जो हो रहा था वो सब चमत्कार है। हमारा फ्लाइट इस्तानबुल तक आके हम लोग एकदम बेफिक्र हो गए। तो शाम को 9 बजे हम इस्तानबुल आए और पूरी रात इस्तानबुल में रेस्ट किया और लॉन्ज में दूसरे दिन भी वेट किया। तो दूसरे दिन की रात को 9 बजे हम लोग मुंबई के लिए बैठे और फिर मॉर्निंग मुंबई में। बहुत सुकून मिला, गणपति अरे बप्पा बहुत बहुत। मोरिया। अभी अच्छा एक बात बताओ, मतलब हंसने में डर इतने लग रहा है कि मतलब हम कैसी, हमें बिलीव नहीं कर रहा कि हम लोग वहां थे और कैसे आ गए। भगवान बहुत, सच में ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये जीता जागता चमत्कार मैंने अपनी जिंदगी बिल्कुल में देखा है। बिल्कुल। तो हमारे कहीं भी गुरुदेव श्री शरण नाना डर जी पे नहीं बहुत लगा, आशीर्वाद है कहीं डर नहीं हमारे। लगा? नहीं आप डर, शिरीषा डेफिनेटली डर तो विश्वा ऐसा लगा है कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा डर लगा था। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में पहली बार ये सब आवाजें सुनी है। अपने तो तानपुरा ढोलक तबले की आवाज सुनी है, यहाँ एकदम बम की आवाज में कन्वर्ट कर दिया गया है। बापरे। रक्षा भी पॉजिटिव, क्योंकि सब लोग साथ में थे, हम लोग सब गिरीश दादा आदरणीय रिस्पेक्टेड, तो उनका बहुत, उन्होंने हमारा बिल्कुल बहुत ध्यान रखा कि ले बच्चे लोग डरो मत, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। वो हमको पॉजिटिव वाइब देते थे तो इस कारण सब अच्छा हो गया। ओके। और घर वालों से संपर्क हुआ, वो भी डर गए होंगे। घर वाले तो इतने चिंतित हो गए थे, और मेरे सारे, मैंने तो सोशल पे डाल ही दिया था कि ये सब हो रहा है। तो मेरे जो चाहने वाले लोग हैं सब लोग प्रे कर रहे थे मंदिरों में जा जाके कि भगवान सब लोग सुरक्षित आके हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रे भी बहुत किया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल। शरद, आप अलग अलग जगह पर जाकर भगवान के गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ऐसे में हाँ मुझे जी, हाँ जी, बताइए बिल्कुल। कितनी हिम्मत मिलती है इस बात को, ऐसी सिचुएशन को पार करने में, देखिए और फिर भगवान का अपने जो आप नाम लेता को। है ना, उसे पूरा फोकस भगवान पे रहता है। उसे पता है कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, वो चलाने वाला तो वही है, वो जो करेगा अच्छा करेगा। तो हम तो बस यही बातें थे कि हमारे साथ रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक बात बताओ, जब भी आप ऐसी सिचुएशन से गुजरते हो ना शरद, तो उसमें होता है क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब ओके आपको रह रहे के वो सारी घटनाएं याद आती है, रह रहे के वो सारे मंजर याद आते हैं। मुझे नहीं मालूम आप जो भी सिचुएशंस देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यू विल नीड सम हेल्प, मे बी आप डॉक्टर के पास जाएं, या मे बी आप किसी बड़े से बात करें, ताकि ऐसे जो मंजर आपके दिमाग में रह रह कर घूमते होंगे उसे रोका जा सके। देखिए, हम ऐसी जगह पे फंसे हुए थे, वहां का तो मतलब कुछ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पे ये सब 2-4 महीने में होता रहता है। तो वहां के लोगों को तो आदत है, लेकिन हमने ये मंजर कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन हम लोगों की एक प्लस पॉइंट यही थी, और जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उनको भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग कभी ऐसी स्थिति में, भगवान करे कोई ना पहुंचाए, लेकिन कभी हम लोग ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो हमको हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव सोचने वाले के साथ भगवान जरूर खड़े होते हैं, उसे पता है कि ये हम पर विश्वास करता है। नेगेटिव वो सोचते हैं जिन्हें किसी पे भरोसा ही नहीं। अरे बाप रे। अच्छा हाँ, मतलब तो आपको पॉजिटिव, पीटीएसडी तो पॉजिटिव होना नहीं हो अपने रहा ना आप में बहुत बड़ी आपको? बात है। ये सोचो ना कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान ने शायद हमारे लिए यही सोचा होगा, वो अपनी शरण में लाना चाहते हैं शायद, ये भी हो सकता है ना इसका पॉइंट। बिल्कुल। एक बात बताओ शरद, बाहर जाके आपको समझ में आता है कि हम भारत देश के वासी हैं, हम इंडियंस हैं। जब इस हाँ पूरी जी, सिचुएशन से गुजर रहे थे, आपको भारत के लिए बार बार वो फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट हो रही थी, कहीं शांति होती है कि हम एक बहुत शांतिप्रिय देश में रहते हैं? देखिए इंडिया से ज्यादा सुकून सुकून कहीं नहीं है। इंडिया में जो प्यार है, इंडिया में जो चाहत है, वो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं ऐसी जगह था
जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये एंड समय पे जो मोमेंट आया ना, इसने तो हमारे पूरे दरवाजे खोल दिए। हम लोग मतलब बता ही नहीं सकते कि हमने क्या देख लिया अपनी आंखों से, कैसा लग रहा था, ख्वाब देख के आए। नहीं तो ऐसी गंभीर स्थिति थी कि हम लोगों की शायद लाश भी नहीं आ पाती, ऐसी स्थिति हो चुकी थी। भगवान ने दूसरा जन्म दिया ये मान लीजिए, आप सबकी दुआएं हैं और बहुत अभी बहुत कुछ करना है म्यूजिक में, तो ये भगवान की बहुत कृपा है, बहुत अच्छे से आ गए। लोगों की दुआएं हैं, लोगों की चाहत, और हमारे नाना जी हमारे बहुत, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था इंटरव्यू में, हमारे नाना जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो हमारे सतगुरुदेव हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था कि बेटा चिंता मत कर, बाबा खुद लेके आएंगे तुझे। तो बहुत कृपा हुई उनकी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और वो उनका चमत्कार है कि हम लोग सब आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शरद, और आपको आप भी ठीक हैं, मुंबई में ही हैं मैं आप? ठीक हूँ, मैं मुंबई में हूँ। मैं थोड़े से डर गई थी, सच बोलो क्या हाँ होता है नहीं, ना। एक्चुअली आपका मैसेज आया था मुझे, बिल्कुल मैंने सोचा कि मैंने बहुत चिंतित हो गई होंगी मैम, बहुत ज्यादा। तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, लगा अपना था अपना मुझे। जहाँ एक वैनिश तो होता है, सब अपना अपने लोग कोई होते हैं तो चिंता काफी बढ़ जाती है। मुझे तो सबने, इन सबने फोन भी किए कि आप सुरक्षित हो भाई, जल्दी आ जाओ, बहुत चिंता हो रही है। पृथ्वी जी जो सिंगर है, बहुत अच्छे, सब लोगों ने मतलब बहुत प्रे किया है, मतलब बहुत घबरा गए थे सारे लोग, और डेफिनेटली घबराएंगे क्योंकि प्रेम जहाँ जुड़ा होता है ना, तो वहां पे चिंता सब दिखाई देती। बिल्कुल, इनफैक्ट जब आपने बोला कि नहीं हम इस्तांबुल पहुंच गए, मैंने कहा अब चलो एटलीस्ट वहां से बाहर आ गए, अब ठीक है, अब इस्तांबुल तो में भले ही भले हमको 19-20 घंटे वेट करना पड़ा, लेकिन हम लोग बहुत चलेगा। वहां पे सुरक्षित थे, हमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं था। हमने कहा कम से कम उस जगह से हमें भगवान यहाँ तक तो ले आए उठा के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो और शरद, ये मान थैंक्स। लीजिए हाँ जी, सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। बच गए। बहुत अच्छा लगा, आपने सब लोगों तक मुझे पहुंचाया ये इंटरव्यू से, और मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी नेगेटिव मत सोचिएगा लाइफ में, कुछ चीजें पॉजिटिव सोचने से बहुत बड़ी चीज टल जाती है। और हमेशा यही बात याद रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके रखिए, और सभी फैंस लोग, सभी जो म्यूजिक को प्यार करने वाले लोग यूट्यूब से जुड़े, उनको मेरा प्रणाम। आप सभी ऐसे ही मस्त आशीर्वाद देते रहिए, म्यूजिक को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच रोना जी। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।